किसी से बातचीत शुरू करने के लिए हाय हेलो बोलने की क्या जरूरत है, सीधा कुछ भी पूछ लो या बता दो। जैसे यहाँ पास में ATM कहाँ है, वो मंदिर है ना भाई, कॉफी शॉप में बैठकर इधर उधर की बातें क्यों करते हो। तुम्हारे पास बैठी लड़की से पूछो कौन सा कॉफी पसंद है, कॉफी के साथ अच्छा क्या मिलेगा। अगर मंदिर में बैठे हो तो लड़की से पूछो कौन सा भगवान को मानती हो। आपको यहाँ रोज देखता हूँ, कोई व्रत रखा है आपने। अच्छा या बुरा बोलकर भी बात शुरू कर सकते हो। आजकल हमारा सिटी बहुत डेवलप हो रहा है, देखो ये रास्ते पर भी फ्लाईओवर बन जाएगा। सच्चा प्यार आज भी है क्या इस दुनिया में, आजकल तो किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। लड़की की तारीफ या बुराई करके भी बातचीत शुरू कर सकते हो, पर ये सबसे लास्ट में यूज करना अगर कोई दूसरे तरीके से बातचीत शुरू ना हो। कुछ लड़कियां कमेंट का बुरा नहीं मानती, लेकिन ज्यादातर लड़कियां कमेंट्स को बुरा मानती है, इसलिए कमेंट बाद में करना। आज इंडिपेंडेंस डे है, किसी से भी देशभक्ति की बात करोगे ना वो बात करेगी ही। 11-12 बजे तक सभी अपने अपने जगह घूमने चले जाएंगे। अब देखो कौन सी लड़कियां बची हुई है, उनसे बात करो और घूमने जाने का ऑफर करो, वो मना ही नहीं कर पाएगी। यही तो फायदा होता है इंडियन फेस्टिवल का, सभी खुश होते हैं। अगर लड़की थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाती है तो तुम आगे बढ़कर उससे बात कर सकते हो और बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ा सकते हो। बात करते वक्त इस बात को ध्यान देना, बॉडी लैंग्वेज में मिरर इफेक्ट होता है। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज जैसा होगा सामने वाला भी वैसा ही बिहेव करेगा। तुम अगर डर रहे हो तो सामने वाला भी डर जाएगा। तुम अगर कॉन्फिडेंट हो तो सामने वाला कॉन्फिडेंट से बात करेगा। तुम रिलैक्स हो तो सामने वाला रिलैक्स फील करेगा। बात करते वक्त तुम जैसा सोचोगे सामने वाला भी वैसा ही सोचेगा। इसे मिरर साइकोलॉजी कहते हैं। अगर तुम किसी की दिमाग की बात को जानना चाहते हो तो वो जैसा खड़ा है ठीक वैसे ही खड़े हो जाओ और खुद से कहो मैं जानता हूं वो क्या सोच रहा है। तुम्हारे दिमाग में एक विचार गूंजेगा और वही सोच वो भी सोच रहा होगा। एक साथ बैठकर शराब पीने वाले एक ही चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। बाबा जी तुम्हें देखकर बता देते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। जितनी सिंपल बात होगी बातचीत उतना ही अच्छा होगा। हल्की फुल्की बातों से शुरुआत करो, कुछ ऐसा कहो जिससे उसके चेहरे पे स्माइल आ सके। तुम्हारी बातचीत का कोई डायरेक्शन होना चाहिए जिससे तुम लड़की से दोबारा मिल सको। पहली मुलाकात में किसी का एड्रेस या फोन नंबर नहीं पूछना है।